तो साहब भारत ने न्यूजीलैंड के पड़खच्चे उड़ा दिए, फड़कास लगा दी, हजामत बना दी। कई दफा आपको मेरी ये क्रिकेट की कैजुअल लिंगो समझ नहीं आती, मुझे फीडबैक यही मिलता है कि ये फड़कास क्या होता है। फड़कास का मतलब है हजामत बनाना, धुनाई करना, यानी कि थप्पड़ रसीद करना, मारना। भारत और पाकिस्तानी लिंगो ऑलमोस्ट सेम है, एक आज जगह फर्क है। भारत में जब किसी को फास्ट बॉलर को कहते हैं बाउंसर कर, तो कहते हैं इसको छोटी बॉल डाल। पाकिस्तान में इसको कहते हैं इसको गेंद पीछे कर, मतलब एक ही है बाउंसर का, उल्टा कर इसका मतलब है गूगली। शायद पाकिस्तान और भारत में उल्टे का मतलब दोनों का एक ही है, गूगली। मगर बात करते हैं मैच की। भारत ने फ्लैट कर दिया कीवीज को, एक फ्लैट पिच के ऊपर वो नहीं संभल सके, और लाजवाब बॉलिंग परफॉर्मेंस थी कुलदीप यादव और चहल की। ये कॉम्बिनेशन लीथल है, और क्रेडिट देना पड़ेगा भारत को कि न्यूजीलैंड जैसी कंडीशंस पे भी अपनी स्ट्रेंथ पे खेले, और उनको पता है कि हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली शायद न्यूजीलैंड उतना अच्छा नहीं है रिस्ट स्पिन के अगेंस्ट। और एक और इसकी एग्जांपल देखने को मिल गई इस मैच में, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अगर रिस्ट स्पिन के खिलाफ अच्छा नहीं खेला तो वो ये सीरीज जो है उसमें ये फीचर ही नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा फर्क है दोनों टीम्स में। और रेड हॉट फॉर्म में भारत, और रेड हॉट फॉर्म नजर आ रही है, शायद वर्ल्ड कप के लिए भी ये रेड हॉट टीम है, क्योंकि सारे बेसिस कवर्ड है और मेरे ये फेवरेट्स बनते जा रहे हैं फ्रॉम द एशियन ब्लॉक, इसलिए कि बैटिंग का बेस जो है वो भरा हुआ है, आपके टॉप ओपनर्स जो हैं वो फॉर्म में, और जब आपके ओपनर्स फॉर्म में होते हैं तो इसका मतलब है बैटिंग से प्रेशर ऑफ हो जाता है। फिर टीम पे विराट हैं तो सोने पे सुहागा है। इसी तरह से बॉलिंग में शमी की बात करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा नया स्पेल किया, और विराट ने तो बोला कि बड़ी देर के बाद पूरी फिटनेस पे देख रहे हैं उनको। और जब फास्ट बॉलर फिट होते हैं तो एक तो उनमें सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस आते हैं, और दूसरा जहां वो गेंद करना चाहते हैं वहां गेंद करते हैं। यॉर्कर बाउंसर, उनको पता है कि उनकी बॉडी जो है उनका साथ देगी, सो ये अच्छी अलामत है। इसी तरह से जो बाकी फील्डिंग है वो थोड़ी सी इंप्रूव करनी है, मगर बॉलिंग बेसिस कवर्ड, बैटिंग बेसिस कवर्ड, सिलेक्शन अच्छी है, और न्यूजीलैंड को बहुत कुछ करना पड़ेगा इस सीरीज में फीचर होने के लिए, क्योंकि अगर इसी तरह से एक फ्लैट पिच पे वो बैटिंग करते रहे तो फिर वो आराम से हार जाएंगे। मैं फ्रेंकली समझ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा टफ टाइम देंगे भारत को, मगर पहले मैच में तो ऐसा देखने को नहीं मिला। सो फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस भारत की।